सो आज आज है इनका बर्थडे स्पेशल। अब हम लोग जा रहे हैं छत की तरफ क्योंकि सारे अरेंजमेंट छत पे ही हो रखे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट बर्थडे थोड़े स्पेशल होते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं छत में, ये वेट करिए अपने पति देव का, क्योंकि ऐसे ओकेजन्स में पति का लेट होना तो बनता ही है ना। तो मैं तब तक चलेगी पिकअप बू लेने के लिए, क्योंकि मुझसे तो नहीं रहा जा रहा था भाई। मुझे तो पूरी एक्साइटमेंट थी, ये रहा डेकोरेशन और लोग बैठे हुए थे। मतलब हम लोग लेट हो गए थे, स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे का था लेकिन हम आधा घंटा लेट थे। तो लोगों में थोड़ी हलचल आप देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ये हो गए थे कि अरे करो करो जल्दी करो जल्दी करो। और ये पूरे अरेंजमेंट्स हैं, बगल में बफे लगा हुआ है। तो चलिए अब केक कट करते हैं। और पता है हमने पूरी कोशिश की कि नायरा जो है वो कुछ अपने सर में डाल ले, या फिर हेयर बैंड डाल ले, टाई वो टियारा डाल ले, या फिर क्राउन ही पहन ले, पर उसने कुछ नहीं पहना। उसने बोला भाई सर पे तो मैं कुछ लेने वाली, लोड तुम लोग अपना देख लो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माल फंक्शन हो गया हमारा। पार्टी पॉपर, हम 3 पार्टी पॉपर लाए थे, उसमें से 2 ने सही काम किया, तीसरे ने माल फंक्शन कर दिया। यार ये हमेशा ही होता है, लाओ पार्टी पॉपर्स, उसमें से कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो मतलब पॉप होगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, फिर सबने केक खिलाया वही, और अचानक से बीच में आंधी तूफान बारिश स्टार्ट हो गया। मतलब पता नहीं चला, अभी तक सब शांत था और अचानक से ये सब स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों का ये था कि यार चलो हम लोग किनारे में खड़े हो जाते, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी खाने में, तो ना हम खाना खा सकते थे और ना ही वहाँ जा सकते थे क्योंकि काफ़ी आंधी तूफान चल रहा था। तो हम लोग साइड में खड़े हो गए क्योंकि रिकॉर्ड भी करना था। फिर उसके बाद आंटी ने डांस स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा जो मौसम था वो सही हो चुका था, तो हम लोग बैठ गए क्योंकि हम डीजे वाले बन चुके थे। हम यहाँ कर रहे थे गानों को चेंज, और हमें डिमांड जा रही थी कि ये गाना लगाओ वो गाना लगाओ, भाई इतना हेडेक दे दिया था इन लोगों ने। लोग हमारे साथ दम शिराज खेल रहे थे, मतलब ये हमें बोलते कि वाइफ हमारी बनी रहनी चाहिए, और फिर जब उनसे पूछे तो कौन सा गाना लगाना है तो गानों के बीच बीच से लाइन बता रहे थे, और फिर हमें वो ढूंढना पड़ रहा था कि अच्छा ये गाना ये गाना। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि इनकी वाइफ ना जाए। और फिर इसके बाद शुरू होता है एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट। मतलब मैं सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए उस तरफ देखा, मैंने दूसरी तरफ अपनी मुंडी घुमा ली थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी, फोटोज़ क्लिक कर रही थी, और जब मैंने फिर से उस तरफ मुंडी घुमाई तो देखा कुछ ऐसा। मतलब बच्चों ने सब खराब कर दिया था बिल्कुल, जिस जिनका बेसिक नेचर होता है डिस्ट्रक्टिव, वो यहाँ ये ले आए थे। पूरी डेकोरेशन इन्होंने ख़राब कर चुकी थी, और इतने मज़ा आ रहा था इन लोगों को, इनसे ज़्यादा मज़ा शायद किसी को आया नहीं होगा पूरी पार्टी में। ठीक है, इसके बाद हमारे दादाजी ने थोड़ा सा झोड़ा सुनाया, आप उसे ज़रूर सुन लो, अच्छा लगा मैं शेयर कर दूँ। बाजो मेरो, पीतल को खा कारा।